गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, येस्टरडे वी डू चैप्टर फर्स्ट एंड प्रीवियस वीडियोस वी आल्सो कंप्लीटेड आवर एक्सरसाइज वर्क एंड आई होप ऑल ऑफ यू रीड एंड अंडरस्टैंड फर्स्ट चैप्टर एंड टुडे वी डू चैप्टर सेकंड ह्यूमन बॉडी एंड सेकंड चैप्टर इज ह्यूमन बॉडी. व्हाट इज ह्यूमन बॉडी? टुडे वी अंडरस्टैंड व्हाट इज अ ह्यूमन बॉडी एंड व्हाट फंक्शंस आर बॉडी कंडक्ट. बच्चों, आज हम ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ेंगे और आज हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन बॉडी कैसे वर्क करती है और कौन से पार्ट जो है या ऑर्गन्स जिसको बोलते हैं हम, वो कौन से हेल्प करते हैं ह्यूमन बॉडी को फंक्शन करने में. सो लेट्स ए लुक एट ए कंप्यूटर केयरफुली. यू विल नोटिस दैट इट हैज़ डिफरेंट पार्ट्स दैट वर्क टुगेदर टू हेल्प इट टू फंक्शन प्रॉपरली. बच्चों, कभी यदि हमने कंप्यूटर देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि कंप्यूटर में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल डिफर होते हैं और ये सब मिलके क्या करते हैं, कंप्यूटर को फंक्शन करने में हेल्प करते हैं. या फिर हम कह सकते हैं कि इन अलग अलग पार्ट्स से मिलकर क्या बनता है, कंप्यूटर, और ये सब मिलकर एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन से फंक्शन को कंडक्ट करते हैं. सिमिलरली आवर बॉडी हैज़ डिफरेंट पार्ट्स दैट वर्क इन कोऑर्डिनेशन टू हेल्प अस कैरी आउट वेरियस डेली एक्टिविटी. ठीक जैसे ही, यानी कि कंप्यूटर के जैसे ही, हमारी बॉडी में भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं और ये सभी पार्ट्स एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन का मीन होता है सहयोग, एक दूसरे के हेल्प से, एक दूसरे के सहयोग से, कोऑर्डिनेशन से अलग अलग फंक्शंस करते हैं. अलग अलग पार्ट्स जो है वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके हमें हमारी बॉडी को डेली एक्टिविटीज़ के लिए प्रिपेयर करते हैं, या डेली एक्टिविटीज़ जो है, डेली के जितने भी काम हैं हमारे, एक्स वाई जेड जो भी कार्य हम करते हैं पूरे दिन, हमारी बॉडी के द्वारा जो भी काम किया जाता है वो इन पार्ट्स की हेल्प से या इन पार्ट्स के कोऑर्डिनेशन से होता है. द आउटर अपीयरेंस डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी इज द सेम इन ऑल ह्यूमन बींग्स. बच्चों, किसी भी पर्सन की, किसी भी मनुष्य की बाहर की जो अपीयरेंस है, यानी कि बाहर की जो स्ट्रक्चर है, वो डिफरेंट हो सकती है, एक दूसरे से अलग हो सकती है. पर्सन टू पर्सन, ह्यूमन टू ह्यूमन, एनिमल्स टू एनिमल डिफरेंट हो सकती है, लेकिन इन सब की इनसाइड स्ट्रक्चर जो होती है, इनसाइड बॉडी स्ट्रक्चर जो होती है वो सेम होती है. वो इसलिए होती है ताकि बॉडी फंक्शन कर सके. आगे देखिए हमारा अवर सेंस ऑर्गन. अब हम पढ़ेंगे सेंस ऑर्गन. बच्चों, सेंस ऑर्गन क्या होते हैं? सेंस ऑर्गन्स को हिंदी में संवेदनशील अंग कहते हैं. एन ऑर्गन सिस्टम हैज़ मैनी ऑर्गन्स एंड दीज ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ए स्पेशल फंक्शन. एक ऑर्गन सिस्टम है. बच्चों, हमारी बॉडी जो है वो ऑर्गन सिस्टम से मिलके बनी हुई है. जैसे हमने पढ़ा था, कंप्यूटर में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और वो पार्ट्स मिलके क्या बनाते हैं, कंप्यूटर का फॉर्मेशन करते हैं. ठीक वैसे ही हमारी बॉडी भी अलग अलग ऑर्गन सिस्टम से मिलके बनी हुई है और ये ऑर्गन सिस्टम, अलग अलग ऑर्गन सिस्टम अलग अलग फंक्शंस को कंडक्ट करते हैं, कार्य समापन करते हैं. आवर बॉडी पोसेस फाइव मेन सेंस ऑर्गन. हमारी बॉडी में पांच मुख्य सेंस ऑर्गन संवेदनशील अंग होते हैं. दीज आर आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन. और वो कौन से हैं? वो है आईज, ईयर्स, नोज, टंग और स्किन. बच्चों, ये हमारी बॉडी के फाइव सेंस ऑर्गन्स होते हैं और ये हमें सेंस ऑर्गन, हमारी बॉडी के मेन पार्ट्स जिनको हम कह सकते हैं, यानी इन सेंस ऑर्गन्स की हेल्प से ही हम हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसको समझ पाते हैं. सेंस ऑर्गन्स हेल्प अस टू नो आवर इन्वायरमेंट. जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, सेंस ऑर्गन्स की हेल्प से ही हम हमारे आसपास के इन्वायरमेंट को जान सकते हैं, समझ सकते हैं. दे सेंड मैसेज टू द ब्रेन. सेंस ऑर्गन्स क्या करते हैं? हमारे इन्वायरमेंट से आने वाले ऑर्डर्स को कहाँ सेंड करते हैं? यह हमारे सेंस ऑर्गन्स के द्वारा ऑर्डर जो होते हैं या मैसेज जो होते हैं वो हमारी बॉडी में हमारे ब्रेन को सेंड कर दिए जाते हैं और ब्रेन के द्वारा ये हमें वापस हमारी बॉडी को फंक्शन करने के लिए प्रिपेयर करते हैं, या इनके द्वारा, सेंस ऑर्गन की हेल्प से हम हमारे बॉडी के फंक्शंस करते हैं. वी सी थिंग्स अराउंड अस विथ आवर आइज. हम हमारे आस पास की जो चीज़ें हैं वो हमारे सेंस ऑर्गन यानी हमारी आइज के द्वारा देख सकते हैं. वी हियर डिफरेंट साउंड्स विथ अवर ईयर्स. और हम अलग अलग साउंड्स को, अलग अलग ध्वनियों को किसकी हेल्प से सुनते हैं? ईयर्स की हेल्प से सुनते हैं. वी स्मेल विद द हेल्प ऑफ अवर नोज. हम हमारे नोज की हेल्प से, यानी नोज क्या हमारा सेंस ऑर्गन है और इस नोज की हेल्प से हम क्या करते हैं, स्मेल को स्मेल कर पाते हैं.
वी टेस्ट डिफरेंट थिंग्स विथ आवर टंग, और हम हमारी जीभ की हेल्प से क्या करते हैं, अलग अलग चीज़ों की टेस्ट को टेस्ट कर पाते हैं। वी फील विथ आवर स्किन, और हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में जो फीलिंग होती है वो हम किससे समझ पाते हैं, वो हम हमारी स्किन के थ्रू समझ पाते हैं। द ऑर्गन सिस्टम, अब देखिए ऑर्गन सिस्टम यानी अंग तंत्र, हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन सिस्टम होते हैं और ये हमारी बॉडी को एक शेप देते हैं। अब देखिए बच्चों क्या क्या ऑर्गन सिस्टम है उनको हम पढ़ेंगे। द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ मैनी पार्ट्स दैट वर्क टुगेदर, ह्यूमन बॉडी अलग अलग पार्ट्स से मिलकर बनी होती है और ये पार्ट्स क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ में मिलकर काम करते हैं। दीज पार्ट्स आर कॉल्ड ऑर्गन्स, और इन पार्ट्स को क्या कहा जाता है, इन पार्ट्स को ऑर्गन्स कहा जाता है। ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स डूइंग ए स्पेसिफिक जॉब इज कॉल्ड ऑर्गन एन ऑर्गन सिस्टम, बच्चों एक अलग अलग ऑर्गन्स क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक जॉब, जब ऑर्गन्स का जो एक ग्रुप होता है वो सब मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ये अलग अलग ऑर्गन सिस्टम अलग अलग फंक्शन को एक पर्टिकुलर जॉब को कंडक्ट करते हैं। आगे हम बताएंगे आपको कौन से ऑर्गन सिस्टम कौन से फंक्शन को कंडक्ट करते हैं। ऑल ऑर्गन्स टुगेदर फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म और लिविंग बींग्स, सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके एक प्राणी या एक जीव का निर्माण करते हैं। तो बच्चों देखिए हमारा फर्स्ट ऑर्गन सिस्टम क्या है, स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र। बच्चों यहाँ एक डायग्राम दिया गया है, ये डायग्राम किसका दिया है, स्केलेटन सिस्टम का डायग्राम दिया गया है। इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे स्केलेटन सिस्टम में क्या क्या होता है या स्केलेटन सिस्टम के फंक्शंस क्या होते हैं। देखिए बच्चों अवर बॉडी इज मेड अप ऑफ बोन्स, हमारी बॉडी जो है वो बोन्स से मिलकर बनी होती है, बोन्स मीन्स हड्डियाँ, और हम सब जानते हैं हमारी बॉडी में कितनी बोन्स होती है, 206। ऑल बोन्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म द स्केलेटन सिस्टम, और सारी बोन्स मिलकर क्या बनाती हैं, स्केलेटन सिस्टम। और स्केलेटन सिस्टम किसका बना होता है बच्चों, ये बोन्स का बना होता है। इट गिव्स शेप्स एंड सपोर्ट टू द बॉडी, और स्केलेटन सिस्टम ये क्या करता है, हमारी बॉडी को शेप देता है और हमारी बॉडी को सपोर्ट देता है ताकि हम सीधा खड़े रह सकें। वी आर एबल टू स्टैंड स्ट्रेट एंड वॉक ड्यू टू आवर स्केलेटन, और स्केलेटन सिस्टम की हेल्प से ही हम सीधे खड़े रह पाते हैं या अपने चल पाते हैं या फिर हमारे डेली वर्क की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कर पाते हैं। इट प्रोटेक्ट दी सॉफ्ट डेलिकेट ऑर्गन्स इनसाइड दी बॉडी, और ये क्या करता है, साथ ही हमारी बॉडी के जो नाजुक अंग होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आवर लंग्स, आवर हार्ट, आवर ब्रेन, इन सबको भी कौन प्रोटेक्ट करता है, इनको हमारा स्केलेटन सिस्टम प्रोटेक्ट करता है। दी स्कल प्रोटेक्ट दी ब्रेन, जैसा मैंने आपको बताया था स्कल का मीन होता है, देखो बच्चों यहाँ दिखाई दे रहा है, स्कल का मीन होता है खोपड़ी, ये मजबूत होती है, बोन्स की बनी होती है और इसके अंदर हमारा जो डेलिकेट होता है, सॉफ्ट सा होता है, नाजुक सा होता है ब्रेन, जिसके द्वारा हमारे बॉडी का एक मेन पार्ट होता है वो क्या होता है, स्कल के अंदर प्रोटेक्ट होता है। दी रिब्स प्रोटेक्ट दी हार्ट एंड दी लंग्स, और रिब्स का मीन होता है पसलियाँ, देखिए बच्चों यहाँ देख रहे हो आप रिब्स, ये पसलियाँ क्या करती है, ये हमारे लंग्स और हमारे हार्ट को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती हैं, ताकि यदि हमें कभी चोट लगे, हमें इंजर्ड अगर हम हो तो हमारी जो रिब्स होती है, हमारे स्कल्प होता है, इस पे ही हमें चोट लग जाए और हमारा जो डेलिकेट पार्ट होता है बॉडी का, ऑर्गन होता है, उसको चोट ना लगे। फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम, और अब हम देखेंगे स्केलेटन सिस्टम के फंक्शन, क्या क्या फंक्शन जो होते हैं स्केलेटन सिस्टम से कंडक्ट किए जाते हैं वो अब हम देखेंगे। इट प्रोटेक्ट्स आवर वाइटल ऑर्गन्स सच एज द ब्रेन द हार्ट एंड द लंग्स, और ये क्या करता है, हमारी बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, फॉर एग्जाम्पल ब्रेन, हार्ट एंड लंग्स, ये क्या करता है, इन सॉफ्ट एंड डेलिकेट ऑर्गन्स को स्केलेटन सिस्टम प्रोटेक्ट करता है ताकि इनको बाहर से कोई चोट ना लगे सी। इट गिव्स शेप्स टू आवर बॉडी, और ये हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड भी करवाता है। इट अलाउज अस टू मूव बिकॉज मसल्स आर अटैच्ड टू द बोन्स, व्हेन मसल्स मूव दे मेक द बोन्स मूव एंड हैंस द बॉडी मूव्स, और ये स्केलेटन सिस्टम क्या करता है, ये हमें मूव होने के लिए अलाउड करता है, क्योंकि स्केलेटन सिस्टम में बोन्स होती है और बोन्स किससे अटैच होती है, मसल्स को हिंदी में कहा जाता है मांसपेशी, यानी हमारी बॉडी के ऊपर जो मांस होता है उसको मसल्स कहा जाता है, और ये मसल्स किससे अटैच होते हैं, ये बोन्स से अटैच होते हैं, और जब हमारे मसल्स मूव करते हैं तो हमारी बोन्स मूव करती है, और जब हमारी बोन्स मूव करती है तो हमारी बॉडी भी साथ मूव करती है, क्योंकि आप अच्छे से जानते हो स्केलेटन सिस्टम किससे मिलकर बना होता है,
बोन से बना होता है, जो कि मैंने अभी आपको जब हमारे स्केलेटन सिस्टम हमने स्टार्ट किया था तब मैंने आपको बताया था कि स्केलेटन सिस्टम किसका बना होता है, बोन्स का बना होता है। अब आगे देखिए बच्चों, मस्कुलर सिस्टम, मांसपेशी तंत्र। बच्चों मस्कुलर सिस्टम क्या होता है, मसल्स कवर द स्केलेटन। मसल्स क्या करते हैं, स्केलेटन को कवर करते, उसको ढक के रखती हैं। दे आर अटैच टू द बोन्स, और वो किससे अटैच होते हैं, मसल्स जो मस्कुलर सिस्टम होता है, मांसपेशी तंत्र ये बोन्स से जुड़ी होती है। द स्केलेटन वर्क टुगेदर विद द मसल्स टू मेक अवर बॉडी मूव एंड वर्क। स्केलेटन क्या करता है, मसल्स से जुड़ के, यानी मसल्स स्केलेटन सिस्टम से मिलके या जुड़ के हमारी बॉडी को मूव करवाती है या फिर कार्य करने में हेल्प या कार्य करवाती है। देयर आर मोर देन 600 मसल्स इन अवर बॉडी, और लगभग 600 से ज़्यादा क्या हमारी बॉडी में मसल्स होती हैं। तो बच्चों आज हमने कुछ ऑर्गन सिस्टम, फॉर एग्जांपल मस्कुलर सिस्टम और स्केलेटन सिस्टम पढ़ा था, कल हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एग्जेक्टरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो बच्चों कल हम पढ़ेंगे ये सब टॉपिक्स। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज का आपका होमवर्क है, आपको ये चैप्टर रीड करना है और आपको ये चैप्टर अंडरस्टैंड भी करना है। कल हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। सो हैव अ नाइस डे।